बैठे हैं यहाँ, एक है ना ये कारनानी जी बैठे हैं ये सारे, और दूसरा जाकिर मियां है। ठीक है, दरअसल क्या है, आजकल मीडिया का रुख भी कुछ अलग है। जो क्षेत्रीय पत्रकार हैं, जो छोटी जगह पर काम करते हैं, वो बड़ी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन वो कहीं और से संचालित हैं, वो बेचारे दिन भर जो रिसर्च करके खबर बनाते हैं वो छपती नहीं। जिसको पाखंडी सिद्ध करने वाली खबर लेकर के जाते हैं, अगले दिन पता लगता है उसका आधे पेज का विज्ञापन छप रहा है और खबर गायब है। तो वो भी क्या करेंगे, अखबार तीन चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। वो समय याद करो, बड़े लोग बैठे होंगे, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका, रविवार, और अखबारों में कितना साहित्य होता था। नववार टाइम्स के अंतिम पेज के बाएं कोने पर प्रतिदिन कालम छपता था शरद जोशी का, और अखबार वहां से शुरू होता था। कहते हैं नववार टाइम्स की बिक्री डबल हो गई थी, आज आपको कहीं साहित्य नहीं मिलेगा। क्रिकेट, कर्मकांड और स्वास्थ्य, हेल्थ की खबरें होती हैं, ये खाओगे तो ऐसे हो जाओगे और वो नहीं खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, तब देखें। और वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो टेलीविजन? मैंने तो 3 साल पहले टीवी का कनेक्शन कटा दिया, और इतना डरा हुआ हूं मैं कि बंद स्क्रीन भी ढक के रखते हैं। आप ताजुब करोगे कि जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गए। प्राइम टाइम देखते हो, 4 जन बहसी आते हैं, जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर, और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। 24 घंटे के न्यूज चैनल हो गए, सामान है नहीं तो रबड़ की तरह तानते खबर को। तब आप एक लघु कथा देखें, ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे, और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज दी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने दावा किया, राजा पहली बार नहाया। 5वें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। 6ठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। 7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा स्नान घर में नहाया। और अब आपकी मोहब्बत मिलेगी, 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। अरे वो तो एक चलाई, वो ही भैंस से टकरा के टूट रही है।